उत्तराखंड एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बताएंगे। मोदी सरकार में विभागों का बंटवारा हो गया है। उत्तराखंड से मंत्रिमंडल में जगह पाए अजय टमटा को सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री बनाया गया है, जबकि नितिन गडकरी सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं। उत्तराखंड में रोड के कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें भारतमाला प्रोजेक्ट, देहरादून दिल्ली हाईवे, मुनस्यारी से चमोली के नीतिमाड़ा बॉर्डर, लिपुलेख रोड को बेहतर करना है। ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर तेजी के साथ काम करना होगा। ऐसे में जब मंत्री खुद अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीट से हैं, तो उनके लिए चुनौतियां और बढ़ जाती हैं। विजयवर्धन उप्रेती हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय टमटा को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। विजय, अब आने वाले वक्त में कह सकते हैं उत्तराखंड के विकास के लिहाज से और ज्यादा एक्टिवनेस देखने को मिलेगी, और ज्यादा लोगों को बेहतरी सड़क के लिहाज से देखने को मिलेगी। जी, निश्चित तौर पर ये एक चुनौती भी है और एक बेहतरीन मौका भी उत्तराखंड के लिए है, क्योंकि पहली बार इतना अहम मंत्रालय उत्तराखंड के किसी सांसद को मिला है और उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती जो देहरादून दिल्ली हाईवे है, उसको समय रहते समय के साथ उसका काम तेजी से बढ़ाना है। इसके अलावा रुद्रपुर काशीपुर का बाईपास है, भारतमाला प्रोजेक्ट है, जिसमें अभी उत्तराखंड में पहले चरण में भी काम शुरू नहीं हुआ है। खासकर बॉर्डर इलाके को ये भारतमाला प्रोजेक्ट जोड़ने के लिए बनाया गया था। टनकपुर पिथौरागढ़ ऑलवेदर रोड की बात करें तो इसमें 3 बाईपास बनने थे, जो चंपावत, लोहाघाट और पिथौरागढ़ है, जो लंबे समय से प्रस्तावित है, जिनमें कोई काम नहीं हो पाया। इसके अलावा मुनस्यारी जो उच्च हिमालय इलाका है, वहां से चमोली के नीतिमाड़ा को जोड़ने वाली भी एक रोड यहाँ पर प्रस्तावित है, जिसमें अभी कोई काम नहीं हो पाया है। फिर दूसरी सबसे बड़ी यहाँ पर दारमा और ब्यास घाटी, जो कि चाइना बॉर्डर के करीब है, इन दोनों को जोड़ने वाली एक टनल भी यहाँ पर प्रस्तावित है, इस पे भी काम होना है। इसके अलावा पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा के भीतर को जोड़ने वाली जो रोड है, हालांकि ये नेशनल हाईवे को जा चुकी है, बावजूद ये अभी तक सिंगल लेन है, इसके डबल लेन बनाने की बात यहाँ पर लगातार उठ रही है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि उत्तराखंड के लिए एक सुनहरा मौका है, अगर ये प्रोजेक्ट, क्योंकि खुद मंत्री अब उत्तराखंड से है, तो निश्चित तौर पर इन प्रोजेक्ट को एक गति मिलेगी, काम तेजी से होगा, क्योंकि कनेक्टिविटी, खासकर रोड कनेक्टिविटी का जो इश्यू है, उत्तराखंड में अभी भी बना हुआ है। लोगों को बेहतर सड़कों की और सड़कों की दरकार है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटा से मुलाकात की और उन्हें नए दायित्व के लिए प्रदेशवासियों की ओर से बधाई और शुभकामनाएं भी दी हैं। सीएम धामी ने कहा, अजय टमटा हमेशा से विकास कार्यों को आगे बढ़ाते रखे हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि उनका प्रशासनिक अनुभव और जनसेवा के प्रति समर्पण राज्य के विकास में सहायक सिद्ध होगा। सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के तीसरे कालखंड में देश तेजी से आगे बढ़ेगा, ऐतिहासिक फैसले और तेजी से लिए जाएंगे, भारत दुनिया का सिरमौर बनेगा। कर्मयोगी के रूप में पीएम मोदी का 10 साल का कार्यकाल रहा। सीएम धामी ने पीएम मोदी को और नई कैबिनेट को शुभकामनाएं दी हैं। ये बहुत ऐतिहासिक है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के तीसरे कालखंड में देश तेजी से आगे बढ़ेगा, देश के ऐतिहासिक जो फैसले हैं वो और तेज होंगे, भारत दुनिया का श्रेष्ठ भारत बनेगा, भारत दुनिया का सिरमौर भारत बनेगा और एक कर्मयोगी के रूप में जो 10 वर्षों का कालखंड आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का रहा है, उसको पूरे देश ने देखा है, देश उसी गति से आगे बढ़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई, उनको शुभकामनाएँ, उनकी पूरी कैबिनेट को और उनके मंत्रियों को सबको बधाई देता हूँ। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ के सांसद अजय टमटा को मोदी सरकार में राज्य मंत्री का जिम्मा मिला है। टमटा के मंत्री बनने के साथ ही क्षेत्र के लोगों की उम्मीदें भी परवान चढ़ने लग गई हैं। अल्मोड़ा लोकसभा से लगातार तीसरी बार सांसद बने अजय टमटा को मोदी सरकार में फिर मौका मिला है। इससे पहले भी अजय टमटा केंद्र में 2016 से 2019 तक राज्य मंत्री रह चुके हैं। इस दौरान टमटा ने अल्मोड़ा और मुनस्यारी में टेक्सटाइल फैक्ट्री लगाने का ऐलान किया था। तब भले ही फैक्ट्री नहीं बन सकी, लेकिन इस बार लोगों को अजय टमटा से भारी उम्मीद है।
लोग हैं जो यहाँ से प्लान करते हुए जा रहे हैं, युवा और महिलाएं, तो उनके लिए यहाँ पर कोई एक स्थायी रोजगार की हम क्या कहते हैं यहाँ पर कोई एक संसाधन यहाँ पर को बनाएंगे, लेकिन वो उस समय तो नहीं हो पाए। लेकिन हमें आप लग रहा है कि इस बार जो है माननीय जो सांसद हैं, जो अब केंद्रीय राज्य मंत्री बन चुके हैं, उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद जो है पर्वतीय क्षेत्र की है। और कुमाऊं के पहाड़ी इलाकों में ब्रिटिश काल से रेल लाइन की मांग भी उठती रही है, खासकर टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन बनाने को लेकर सड़क से लेकर संसद तक प्रदर्शन भी किए गए, लेकिन लाख दावों के बावजूद अब तक इस रेल लाइन का काम सर्वे से आगे नहीं बढ़ा है। यही नहीं, गैरसेंड चोकटिया रेल लाइन बनने की भी उम्मीद लोगों में जगी है। पहाड़ों पे कुमाऊं रीजन पे पहले तो रेल कनेक्टिविटी के लिए सोचे कि कैसे यहाँ रेल आ सकती है। दूसरा, रोडे अब कैंची धाम कैटी कार्गो धाम, तो जब भी आप आ रहे हैं पर्यटन को रिलेटेड बहुत जाम लग रहा है, इनको फोर लेन कनेक्टिविटी के बारे में वो बात करें। हमारी अपेक्षा है उनसे कि भाई वो पर्यटन को लेके, क्योंकि पहाड़ी राज्य है और यहाँ पहाड़ों पर पर्यटन के अलावा कोई ज्यादा स्कोप भी नहीं है, वो पर्यटन को इतना आगे बढ़ाए कि उनका कार्यकाल हमेशा के लिए याद रखा जाए। गढ़वाल में ऋषिकेश कर्ण प्रयाग रेल लाइन का काम शुरू होने के बाद कुमाऊं के लोग भी रेल का सपना देखने लगे थे, लेकिन लंबे समय से इस सपने को साकार करने की कोई ठोस पहल नहीं हो पाई है। ऐसे में एक बार फिर जहां अल्मोड़ा पिथौरागढ़ के सांसद को केंद्र सरकार में जगह मिली है, तो जाहिर है कि लोगों की उम्मीद को भी पंख लगने लगे हैं। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। रिजर्व सीट अल्मोड़ा के सांसद चुनकर आए अजय टम्टा अब केंद्र सरकार में राज्य मंत्री बन चुके हैं। दलित नेता के तौर पर उन्हें मोदी कैबिनेट में दोबारा एंट्री मिली है। कुल मिलाकर इसे बीजेपी के पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ाने के कदम के तौर पर भी देखा जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। मैं अजय टम्टा ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। रविवार को तीसरी मोदी कैबिनेट में अल्मोड़ा से सांसद अजय टम्टा को दूसरी बार जगह मिली। रिजर्व सीट से आने वाले अजय टम्टा दूसरी बार राज्य मंत्री बने हैं, जो उत्तराखंड से चुने गए 5 सांसदों में अकेला दलित चेहरा हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की बात की और अपने 10 साल में OBC दलित को आगे बढ़ाने की बात की, और मोदी सरकार के तीसरे मंत्रिमंडल में ये साफ दिखा भी है। जहां 72 सांसद OBC, 10 SC, 5 ST और 5 अल्पसंख्यक हैं, ऐसे में BJP सांसद अजय टम्टा को मंत्रिमंडल में शामिल करके प्रधानमंत्री ने पूरे देश के साथ देवभूमि में भी वही मैसेज दिया। समीकरण को देखते हुए अनुसूचित जाति के व्यक्ति को भी यहां पर केंद्र में जगह दे करके बहुत बड़ी उपलब्धि हम सबके लिए हासिल की है। तो कुल मिलाकर के जिस तरह से अभी मंत्रिमंडल का गठन हुआ, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में गठन हुआ है, सभी जातियों को समानता से देखते हुए सबको, चाहे पिछड़ी जाति हो, अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, सभी लोगों को उन्होंने मंत्रिमंडल में जगह दी है। उत्तराखंड में दलित वोटर करीब 19% है, ऐसे में क्या इस कदम का उत्तराखंड में कोई फायदा मिलेगा? एक्सपर्ट मानते हैं कि दलित OBC की सियासत UP बिहार में काम आएगी, लेकिन उत्तराखंड में नहीं। ऐसा ही था तो उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाती, या जो उत्तराखंड में जिस तरीके का माहौल है उसमें तो हमने कहीं नहीं देखा कि कोई इस तरीके की बात है। और उत्तर प्रदेश और बिहार में दलितों की राजनीति होती है, OBC की राजनीति होती है, उत्तराखंड में विशुद्ध रूप से राजपूत समुदाय की राजनीति होती है, ब्राह्मण समुदाय की राजनीति होती है। सांसद अजय टम्टा मोदी मंत्रिमंडल में जगह बनाने में कामयाब रहे और BJP की दलित OBC की सियासत में भी मौके पर फिट बैठे और अब मोदी मंत्रिमंडल में उत्तराखंड का चेहरा होंगे। दीपांकर भट्ट, News 18, देहरादून। लोकसभा चुनाव के बाद उत्तराखंड में अब विधानसभा चुनाव की बारी है। लोकसभा चुनाव में तो BJP जीत दर्ज कर चुकी है, लेकिन उपचुनाव की डगर उसके लिए इतनी भी आसान नहीं होने वाली है। देखिए रिपोर्ट। चुनाव आयोग ने जिन 7 राज्यों में विधानसभा उपचुनाव की घोषणा की है, उनमें एक उत्तराखंड भी है। उत्तराखंड में 2 सीटों बद्रीनाथ और मंगलोर पर उपचुनाव होना है। 119,000 वोटर वाली मंगलोर सीट BSP विधायक सरबत करीम अंसारी के निधन से खाली हुई है, तो करीब 1,00,000 वोटर वाली बद्रीनाथ सीट BJP में शामिल हो चुके कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी के रिजाइन से खाली हुई है। दोनों सीटों पर ठीक 1 महीने बाद यानी कि 10 जुलाई को वोटिंग होनी है और 13 जुलाई को काउंटिंग।
और डेट ऑफ कॉल होगी 10 जुलाई को, ये है वेडनेसडे को होगी, बुधवार को ये भी 10 जुलाई को, और काउंटिंग होगी 13 जुलाई को शनिवार। चुनाव का ऐलान होते ही दोनों सीटों पर सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। दोनों पार्टियां जीत के दावे कर रही हैं, लेकिन खासकर मंगलोर सीट बीजेपी के लिए चैलेंजिंग है, क्योंकि चुनाव कोई भी रहा हो, बीजेपी इस सीट पर कभी जीत दर्ज नहीं कर सकी है। हालांकि उसे मंगलोर में बीएसपी कांग्रेस के साथ होने वाले त्रिकोणीय मुकाबले से जीत की उम्मीद है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जहां मंगलोर सीट हम आज तक कभी नहीं जीते थे, इस बार उस सीट को हम जीतेंगे। मंगलोर की जनता भी डबल इंजन सरकार का लाभ चाहती है, केंद्र में भाजपा है, प्रदेश में भाजपा है, इसलिए हर क्षेत्र का जो जनमानस है विकास को चाहता है, विकास के आधार पर हम उस सीट को जीतेंगे। बद्रीनाथ विधानसभा के पूर्व विधायक जो है वो हमारी पार्टी में आ गए, मैं से क्षेत्र का मैंने देखिए। पहली बात तो ये कि दोनों सीटें पहले बीजेपी के पास नहीं थी। बद्रीनाथ सीट पर कोई संदेह नहीं है क्योंकि हम अच्छे मतों के साथ उस सीट को जीतेंगे, तो हमारी संख्या विधानसभा में बढ़ने जा रही है तय है। जहां तक मंगलोर सीट का प्रश्न है, मंगलोर सीट पहले बसपा के पास थी, और यदि कांग्रेस भी उसमें दमदारी से लड़ती है तो निश्चित तौर पर एक त्रिकोणात्मक वहां पर चुनाव आपको देखने को मिलेगा। मंगलोर सीट का सियासी गणित, जाट वोटर्स करीब 12,000, गुजर वोटर करीब 12,000, मुस्लिम वोटर करीब 55,000, एससी वोटर 19,000, करीब 12,000 अन्य जातियों के वोटर्स हैं। मंगलोर विधानसभा सीट पर कभी कांग्रेस तो कभी बीएसपी जीतती रही है। लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने इस सीट पर बीजेपी से 23,000 वोटों से लीड ली। कांग्रेस का कहना है कि पार्टी दोनों सीटों पर चुनाव जीतेगी। बद्रीनाथ में पार्टी विधायक ने पार्टी के साथ धोखा किया है। कार्यकर्ता बीजेपी को उसी की भाषा में जवाब देने को तैयार बैठा है। भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से हम दोनों सीटों में टक्कर देंगे, मंगलोर में भी देंगे और जोशीमठ में भी देंगे, और कांग्रेस का कार्यकर्ता जवाब देने के लिए तैयार बैठा है, और भारतीय जनता पार्टी को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा, और ये चुनाव जीतना हमारी पहली प्राथमिकता है। कांग्रेस के पास खोने को कुछ नहीं बचा है, लेकिन उपचुनाव में इन दोनों सीटों पर बीजेपी नेताओं की साख दांव पर लगी रहेगी। बद्रीनाथ सीट बीजेपी के लिए नाक का सवाल बनेगी, क्योंकि बद्रीनाथ की ये सीट बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेश भट्ट की परंपरागत सीट रही है। पार्टी के भीतर विरोध के बावजूद इस सीट पर बीजेपी कांग्रेस विधायक को तोड़कर लाई थी। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के केंद्रीय कैबिनेट में शामिल होने के बाद बीजेपी संगठन में राष्ट्रीय स्तर पर बदलाव होना तय है। ऐसे में टिकट मिलने से लेकर कैबिनेट में स्थान मिलने तक वंचित रह गए उत्तराखंड बीजेपी के नेताओं सांसदों की नजर अब इस बदलाव पर टिक गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो रहा है। इस बीच नड्डा को केंद्रीय कैबिनेट में शामिल कर लिया गया है। सितंबर अक्टूबर में बीजेपी के सांगठनिक चुनाव भी प्रस्तावित हैं। तय है कि केंद्र से लेकर राज्यों तक अब पूरे संगठन में बदलाव होगा, और इसी बदलाव में उत्तराखंड बीजेपी के सीनियर लीडर को पार्टी के राष्ट्रीय संगठन में शामिल कर सकती है। इनमें कैबिनेट में जगह मिलने से चूक गए पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत, सांसद अनिल बलूनी, सांसद अजय भट्ट, टिकट मिलने से वंचित रहे पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक, पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत का नाम शुमार हो सकता है। हालांकि अनिल बलूनी पहले से ही राष्ट्रीय संगठन में मीडिया प्रमुख की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। और जो भी नेता हैं, जो बहुत अनुभवी हैं हमारे, उन सभी नेताओं को भारतीय जनता पार्टी के काम पे लगाया भी जाता है और लगाया भी जाएगा। इसलिए मैं तो आश्वस्त हूँ इस बात को लेकर कि कार्यकर्ता के रूप में उन नेताओं की जो भी भूमिका रहेगी वो पार्टी उस दृष्टि से बहुत अच्छा विचार भी करेगी। देखिए, हमारे यहाँ जो भी लोग हैं, जैसे निशंक जी हैं, तीरथ जी हैं, त्रिवेंद्र जी हैं, ये सब लोग राष्ट्रीय स्तर पे काम कर चुके हैं, बड़े दायित्वों पर काम कर चुके हैं। इसी तरह अनिल बलूनी हैं, जो ऑलरेडी केंद्र में इस मीडिया के प्रमुख हैं। इसी तरह राज्यों में भी पार्टी संगठन के नए सिरे से चुनाव हो सकते हैं। उत्तराखंड में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट राज्यसभा सांसद चुने जा चुके हैं। ऐसे में चुनाव पूर्व ही कार्यकारी के तौर पर नए अध्यक्ष की ताजपोशी भी की जा सकती है। हालांकि पार्टी नेताओं का कहना है कि ऐसा जरूरी नहीं है,
कई प्रदेशों में सांसद विधायक प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाले हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी स्वयं जो है कि अध्यक्ष तो है ही है, अब कई लोगों की ये कयासबाजी है कि वो राज्यसभा चले गए हैं तो राज्यसभा जाने के बाद अध्यक्ष पद छोड़ेंगे, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ असेंबली या मेंबर ऑफ राज्यसभा ये सभी लोग जो अध्यक्ष के पद पर या अन्य पदों पर भी हैं। बहरहाल सितंबर अक्टूबर में बीजेपी के सांगठनिक चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उत्तराखंड बीजेपी के पास सीनियर और अनुभवी नेताओं की लंबी फौज खड़ी हो चुकी है। देखना दिलचस्प होगा कि सांगठनिक बदलाव में किसकी कहां लॉटरी लगती है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। पिथौरागढ़ में चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड का हाल बेहद खराब हो चुका है। ये वीडियो लमारी के पास का, जहां गाड़ियों को धक्का देकर निकाला जा रहा है। इसी रोड से होकर आदि कैलाश यात्रा भी गुजरती है। अब आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि यात्रियों को कैसे जान जोखिम में डालकर यात्रा करनी पड़ रही है। लिपुलेख रोड का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। इन दिनों आदि कैलाश यात्रा भी चल रही है, जिसमें भारी संख्या में लोग जा रहे हैं, बावजूद इसके रोड को ठीक नहीं किया गया। अल्मोड़ा जिले के भनोली के मेजर हरीश चंद्र शहीद हो गए। हरीश जागेश्वर के गुड़ादित्य गांव के रहने वाले थे। मेजर का पार्थिव शरीर आज गांव पहुंचा और जागेश्वर धाम में अंतिम संस्कार किया गया। ट्रेनिंग एक्टिविटी के दौरान सिकंदराबाद में वो शहीद हुए थे। सूचना पाकर पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर ने उन डॉक्टर्स पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है जिन्होंने मेडिकल कॉलेज श्रीनगर से डॉक्टर की डिग्री लेने के बाद सरकारी अस्पताल में नियुक्ति होने के बाद भी अपनी ज्वाइनिंग नहीं ली। मेडिकल कॉलेज ने बॉन्ड के शर्त पर पालन न करने पर अब तक 35 डॉक्टर्स से 7,20,00,000 की धनराशि वसूली है, जबकि 27 ऐसे डॉक्टर्स को नोटिस थमाए हैं जिन्होंने धनराशि जमा कराने की जानकारी मांगी है, जबकि 50 डॉक्टर्स ऐसे हैं जिन्हें नोटिस थमाकर ये जानकारी मेडिकल कॉलेज ने मांगी है कि ये वर्तमान में अपनी सेवा कहां दे रहे हैं या MBBS में PG कर रहे हैं, इसकी जानकारी मांगी गई। जो है अलग अलग वर्ष में अलग अलग सत्य थे, कुछ वर्ष में सत्य इनको 3 साल बॉन्ड की अवधि करनी है, अब ये कि इनको 5 साल बॉन्ड की अवधि करनी है, और अगर ये बॉन्ड पूरा नहीं करेंगे तो उसमें जो है इनको 1,30,00,000 रुपये जमा करने होते हैं। मैंने बहुत सारे लोग तो दे रहे हैं सेवा, कई लोग मुझे लगता है कि मोर देन जो है 70% लोग जो सेवाएं दे रहे हैं, जो भी 30% लोग हैं उनसे पूछा जा रहा है कि आपकी वो स्थिति क्या है, उसी के अकॉर्डिंग जो है उनके अगेंस्ट में जो है कार्रवाई की जाएगी। 25 जून तक उत्तराखंड में मॉनसून दाखिल हो जाएगा, लेकिन अगले 4 दिन आपको अभी गर्मी झुलसाएगी। एक बार फिर से तापमान 40 डिग्री पार पहुंच चुका है और मौसम विभाग ने लोगों को मैदानी जिलों में लू से बचने की सलाह दी है। उत्तराखंड के मैदानी जिलों में एक बार फिर तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच रहा है। अगले 4 दिन इसी तरह सूरज आग बरसाएगा। मौसम विज्ञान केंद्र ने इसे देखते हुए अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 11 जून से 14 जून के बीच तापमान 42 से 43 डिग्री तक पहुंच सकता है। ऐसे में हीट वेव यानी लू से लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, तो पहाड़ी जिलों में भी पारा 30 डिग्री के पार जाएगा। तो वही लग रहा है कि 11 से आगे जो है 3-4 दिन की अगर मैं बात करूँ 14 तक जो है तो जो हीट वेव कंडीशन है वो कुछ जगहों में प्रदेश में देखने को मिल जानी चाहिए, क्योंकि जो बारिश की एक्टिविटी इस समय बिल्कुल बंदी है ऑलमोस्ट। 14 जून तक गर्मी झेलनी होगी, लेकिन 20 से 25 जून के बीच उत्तराखंड में मॉनसून भी दस्तक दे देगा। मौसम विभाग की माने तो 15 जून से ही आंधी तूफान और हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा। मॉनसून सीजन की शुरुआत के साथ फायर सीजन भी खत्म होगा और इस बार का फायर सीजन उत्तराखंड पर भारी पड़ा है। इस साल 9 जून तक पूरे राज्य में 1,201 आग लगने की घटनाएं हुई, जिसमें 1,633 हेक्टेयर क्षेत्र के जंगल प्रभावित हुए, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई तो 6 लोग जख्मी हुए। ऐसे हाल में
15 जून के बाद बदला मौसम लोगों को गर्मी से राहत जरूर देगा। तो अगले 10 दिन में आप ये कह सकते हैं कि यहाँ भी जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिव है बिल्कुल बढ़ेगी, ठीक ठाक बढ़ेगी। और जो हमारी नॉर्मल डेट है यहाँ पे उत्तराखंड पे स्ट्राइक करता मानसून, तो 20 तारीख से लेकर 25 तारीख के बीच में, 20 तारीख कुछ एरियाज आ जाते हैं और 25 तक करीब करीब पूरा कवर हो जाता है। तो इसके बीच में यहाँ पर भी मानसून सीजन पहुँचता, मानसून की जो एक्टिविटी वो पहुँच जाती है मानसून यहाँ तक। अगले 10 से 15 दिन में बरसात की शुरुआत हो जाएगी। फिलहाल आने वाले 4 दिन 40 डिग्री पार तापमान की मार झेलने को आपको तैयार रहना होगा। देहरादून से दीपांकर भट्ट, न्यूज 18। और अब आपको दिखाते पहाड़ टॉप 10 न्यूज। टिहरी में इन दिनों पानी को लेकर हाहाकार मचा है। जल संसाधन के अधिकारियों का कहना है कि टिहरी डैम में वाटर लेवल काफी डाउन हो गया है। हरिद्वार में मॉनसून सीजन को लेकर डीएम ने की बैठक। डीएम का कहना है 15 करोड़ की लागत से नाला निर्माण और ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त करने का काम किया जाना है। 15 जून को कैचीधाम के मेले को लेकर नैनीताल में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने अधिकारियों की मीटिंग ली। हरिद्वार लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रहे वीरेंद्र रावत अपने चुनावी हार के लिए भाग्य को दोष दे रहे हैं। अल्मोड़ा शहर में आवारा जानवरों से व्यापारी और स्थानीय लोग परेशान। इसके चलते नगर पालिका जानवरों को गौशाला बाजपुर और अन्य स्थानों पर भेजने जा रही है। प्रदेश में बिजली की दरों में हो रही बढ़ोतरी के खिलाफ जन संघर्ष मोर्चा ने विकासनगर तहसील पर विरोध प्रदर्शन किया। टिहरी में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में 30 शिकायतें दर्ज हुई। इसमें अधिकतर पुनर्वास, पानी और सड़क से संबंधित थी। अजय टमटा को मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिलने पर पिथौरागढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की। बागेश्वर के बीडी पांडे कैंपस में समस्याओं के समाधान के लिए एनएसयूआई के छात्र अनिश्चितकालीन धरने पर। ऋषिकेश में बारिश कम होने के साथ भीषण गर्मी से लीची की फसल को नुकसान। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।